नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनवरी 2022 में मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी और साथ ही एक छोटा सा उपाय जिससे मासिक शिवरात्रि के व्रत का लाखों गुना फल मिलेगा। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी यह उपाय करके आपको व्रत जैसा लाभ जरूर मिलेगा। तो आइए जानें मासिक शिवरात्रि जनवरी 2022। मासिक शिवरात्रि जनवरी में पौष कृष्ण चतुर्दशी रहेगा। 1 जनवरी 2022 दिन शनिवार को पौष कृष्ण चतुर्दशी प्रारंभ होगी। 1 जनवरी 2022 को सुबह 7:17 पे समाप्त होगी। 2 जनवरी 2022 को मध्य रात्रि 3:41 में मासिक शिवरात्रि पूजा मुहूर्त रहेगा। मासिक शिवरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में होती है, तो यह 1 जनवरी 2022 को शुरू हो के 2 जनवरी 2022 को समाप्त होगी। 1 जनवरी 2022 को 11:58 से लेके 2 जनवरी 2022 को 12:52 तक इसकी अवधि रहेगी 55 की। सबसे पहले जाने मासिक शिवरात्रि कब होती है। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा उपासना की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भोले बाबा की जय जयकार होती है। भोले बाबा अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी इच्छाएँ पूर्ति करते हैं। तो आइए मासिक शिवरात्रि पूजा सामग्री लिस्ट। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रौली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेल, आम्र, मंजरी, चौकी वाले, मंदार, पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। मासिक शिवरात्रि पूजा विधि। मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन ले। इस दिन पीले रंग के वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ साबित होता है। इसके बाद पूजा वाली जगह पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। उनकी विधिवत रूप से पूजा करें। मासिक शिवरात्रि की पूजा में शिव परिवार को पंचामृत से स्नान कराने का भी विधान बताया गया है। इस दिन की पूजा में बेलपत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अवश्य शामिल करें। मासिक शिवरात्रि की पूजा या व्रत उपवास रख रहे हैं तो शिव पुराण, शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा आप चाहें तो शिवा अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा में शिव मंत्रों का जाप अवश्य करें। अंत में शिव आरती के साथ पूजा का समापन करें। मासिक शिवरात्रि का महत्व। मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद ही आसान है। वह केवल उनका नाम जपने भर से ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ वाकई बड़े ही भोले हैं। यह अत्यंत शुभ फलदायी व्रत माना गया है। जो भी व्रत करता है उसे कोई भी कष्ट नहीं होता, तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। भगवान शिव को प्रिय है यह 11 सामग्री। इन्हें अर्पित करने से होती है हर मनोकामना पूरी। आइए जाने इन 11 सामग्री के बारे में। दूध, जल, मिश्री, केसर, चंदन, शहद, भांग, शुद्ध घी, चावल, बेलपत्र, आंकड़े के फूल। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। जिस तरह हर व्रत आदि के पीछे कोई न कोई कथा होती है, वैसे ही मासिक शिवरात्रि के पीछे भी एक कथा है। आइए जानें मासिक शिवरात्रि व्रत कथा के बारे में।
पौराणिक कथा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की थी। उस दिन से लेकर आज तक इस दिन भगवान शिव को जन्म दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव पूजन का खास महत्व है। बहुत से पुराणों में भी शिवरात्रि व्रत का जिक्र किया गया है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के उद्धार के लिए माता लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री माता, सीता माता, पार्वती और रति जैसी बहुत सी देवियों और रानियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। मासिक शिवरात्रि जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उपासक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। व्रत संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों को सुगंधित वस्तुओं जैसे कि अगरबत्ती, चंदन, इत्र, गुलाब, जल, कपूर समर्पित करने पर दाम्पत्य जीवन और फैमिली में खुशहाली बनी रहती है। जिस घर में कलह क्लेश रहता है उन्हें शिवरात्रि के दिन सपरिवार भगवान शिव और माँ शक्ति की आराधना करनी चाहिए। इस दिन दूध, दही व शहद समान मात्रा में चढ़ाना चाहिए, जिससे कि परिवार में शांति बनी रहे। शिवरात्रि पर अधिक से अधिक शिव और शिव शक्ति के मंत्रों का उच्चारण करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र, यह मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। आंकड़े का फूल रात्रि के दूसरे प्रहर में शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने पर घर में समृद्धि और करियर में सफलता प्राप्त होती है।